अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद उल फितर का व्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक आप सबको। तो अभी दोस्तों सुबह का टाइम है, तो मैं उठ गई थी सुबह में, तो अभी सुबह के टाइम में जल्दी ही उठ गई थी। तो अभी यहाँ पर मैंने बिरयानी की सारी तैयारी कर रखी है। तो यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई करी है, पहले ही करके रख ली है। और दोस्तों ये मसाले मेरे पास ख़त्म हो चुके थे रमज़ान में भी, धनिया ज़ीरा पाउडर में थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करके रेसिपी वगैरह बना रही थी इफ्तार या सहरी के लिए। तो ये मैंने थोड़े से ग्राइंड कर लिए फिर से, क्योंकि धनिया ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो चुका था। और साथ ही यहाँ पर हरी मिर्चें वगैरह भी मैंने काट कर रख ली है, और धनिया पुदीना भी मैंने धोकर काट कर रख लिया है। तो बिरयानी बनाने के बाद इसको मैं असेंबल करूँगी। तो इतना सा ही वीडियो शूट किया है दोस्तों, ज़्यादा शूट नहीं किया है मैंने। तो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, पूरा व्लॉग नहीं शेयर किया है क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो दोपहर में दोस्तों खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। तो खाना खाने के बाद अब्बा लेकर आए थे स्प्राइट और ये माज़ा। तो बहन और मैं ये पीते हैं क्योंकि मैं स्प्राइट नहीं पीती हूँ। तो अम्मी, अब्बा और भाई ने स्प्राइट पी लिया था तब ही दोपहर में ही, और मैं और मेरी बहन खाना खाने के बाद दिल नहीं कर रहा था हमारा, तो हम लोग अब शाम के टाइम पर पी रहे हैं। तो दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। दोस्तों ईद का टाइम ही होता है दोस्तों जब मैं एक दिन दोपहर में सोती हूँ, वरना सादी दिनों में नॉर्मल डेज में ना मैं दोपहर में सोऊँ तो मुझे बहुत सी चिड़ आती है और गुस्सा आता है, मुझे नींद भी नहीं आती है। तो सोकर उठने के बाद असर की नमाज के बाद का टाइम है था, तो हम लोगों ने माज़ा पी लिया मैं और मेरी बहन ने। और अभी दोस्तों इशरत और मामी ने बना लिया है, इसका वीडियो मैंने भी ज़्यादा शूट नहीं किया, बना रही थी तब का नहीं किया है, बस इसको थोड़ा सा बॉईल कर रही हैं अम्मी, वही शेयर कर रही हूँ, वही शूट कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों सारे दिन की मैंने कोई भी वीडियो अच्छा प्रॉपर एक ब्लॉग की तरह नहीं शूट किया है, बस थोड़ा थोड़ा क्लिप्स ही लिए हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी दोस्तों रात का टाइम है, तो यहाँ पर बिरयानी गरम करने के लिए निकाल रही हैं अम्मी, क्योंकि दोपहर में बनाई थी तो पूरी ठंडी हो चुकी थी। दोपहर में भी दोस्तों ज़्यादा ठंडी नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं थी, क्योंकि 12 बजे तक मैंने बिरयानी बना दी थी, तो 2:30-3 बजे हम लोगों ने खाना खाया तो बहुत ठंडी हो चुकी थी। तो खाना खाने के बाद हम लोग सो गए रात को। तो अभी दोस्तों ये है ईद के दूसरे दिन का व्लॉग। तो अब्बा गए थे काम से बाहर, तो बाहर गए थे तो आते वक्त ये मिठाई लेकर आए दोस्तों, और ये मिठाई काफ़ी बढ़िया थी और सब लोगों ने इंजॉय करी। तो काम से वापस आते आते अब्बा ये मिठाई लेकर आए जो कि बहुत बढ़िया और टेस्टी है दोस्तों। तो इसके बाद के भी मैंने कोई क्लिप्स वगैरह शेयर नहीं की हैं दोस्तों। और दोस्तों साथ ही ये कहना चाह रही हूँ कि ईद के टाइम पर ना कितना सूना सूना हो चुका था 2 साल पहले, तो इस साल काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ फैली हैं लोगों में, क्योंकि ईदगाह में नमाज़ पढ़ने दी गई है क्योंकि बीमारी अब ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों फर्स्ट डे ही हम लोग गोलगप्पे खाना चाह रहे थे, पानी पूरी, क्योंकि अब्बा ने कहा कि ईद के पहले दिन तो सारी शॉप्स बंद होती हैं तो बाद में खाएंगे। तो ईद के दूसरे दिन हमने मंगवा लिए, तो जहाँ की मैं पसंद करती हूँ ना दोस्तों वो पानी पूरी तो नहीं मिली, यहाँ पास से ही अब्बा लेकर आए। और दोस्तों सच बताऊँ ना तो इसका पानी इतना ज़्यादा स्पाइसी था, इस पानी में सिर्फ ना चिली फ्लेक्स ही तैर रहे थे जिधर देखो उधर, तो इतना ज़्यादा स्पाइसी था। मैंने अब तक की पानी पूरियों में ऐसा स्पाइसी पानी कभी भी टेस्ट नहीं किया। और दोस्तों हर इंसान की भी लिमिट होती है कि वो कितना स्पाइसी खाता है, ये आउट ऑफ लिमिट पानी था दोस्तों। पता नहीं उस इंसान ने कैसे सोचकर बनाया पानी, इतना स्पाइसी था, इतना स्पाइसी था, सिर्फ चिली फ्लेक्स तैर रही थी। और खाओ ना तो एकदम सा दिमाग में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तीखा खाते हैं ना तो एक महसूस होता है। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही खा रही थी गोलगप्पे में, वरना तो मुझे गोलगप्पे में पानी फुल भर के खाना पसंद है, लेकिन ये पानी तो मैं नहीं खा सकी भर के। तो अभी दोस्तों वैसे जैसे तैसे करके हमने पूरी इंजॉय करी। तो अभी दोस्तों रात का टाइम है, तो अभी रात के टाइम पर ना पहले दिन तो बिरयानी खाकर थक गए थे हम लोग, तो दूसरे दिन अम्मी ने बनाए दाल चावल। तो दाल चावल के साथ दोपहर में हमने चटनी बनाई थी, हरी चटनी, वो बढ़िया थी, हरी मिर्चों से बनती है, किसी दिन किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी रात के टाइम पर मैं बना रही हूँ प्याज के ऑमलेट, क्योंकि सादे ऑमलेट हम लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभी जल्दी में बनाते हैं तो बना लेते हैं, लेकिन प्याज के ऑमलेट काफ़ी बढ़िया बनते हैं दोस्तों, ये काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं और दाल चावल के साथ बहुत यमी लगते हैं। तो अभी मैं ये ऑमलेट बना रही हूँ दोस्तों। तो यही दोस्तों मैं कहना चाह रही थी कि इस साल ना बाज़ारों में भी रौनक लगी थी, चांद रात तक दोस्तों जितना लोग घूम सकते फिर सकते थे फिर रहे थे, सारी शॉप्स खुली थी दोस्तों, जो रौनक 2 साल पहले होती थी सड़कों पर रमज़ान में चांद रात में,
वही रौनक और वही खूबसूरती बाज़ारों में वापस आ गई। दो साल बाद अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बीमारियाँ, ये दुनिया से बीमारी उठ गई, ख़त्म हो गई। और उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने अपनी जान से हाथ धोई है इस लॉकडाउन में या इस कोविड के सिलसिले में, तो उन सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ करे। और दोस्तों, कितनी खूबसूरत लग रही थी सड़कें, क्योंकि लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़ रहे थे और सारी दुकानें खुली थी और मस्जिदों में तरावी हुई जैसे नॉर्मल डेज़ में होती थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे सालों में भी इसी तरह से ईदगाह और मस्जिदें रौनक और आबाद रहें। नमाजियों से यही दुआ है और अल्लाह ताला आने वाली तमाम वबाओं से हम लोगों को बचाए और दुनिया के तमाम लोगों को महफूज रखे और अमन सलामती के साथ रखे। तो दोस्तों, अभी ये बना रही हूँ मैं प्लेन ऑमलेट, क्योंकि अम्मी प्याज का ऑमलेट पसंद नहीं करती हैं, तो उनके लिए मैं प्लेन ऑमलेट बना रही हूँ बिना प्याज वाला। इसी के साथ दोस्तों, आज का मेरा ईद का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।